नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी टाकोस जो होममेड होगा और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टाकोस। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई नई रेसिपी आप लोगों को मिल जाएंगी। और इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। चलिए पहले टाकोस के लिए एक डो तैयार करके रखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब मैदा लिया है, उसके साथ मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी, 1.5 चम्मच के करीब तेल डालूंगी इसमें, 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैं इसमें तेल डालूंगी। और देखिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। जो हमारा बाहर का कवर होगा वो हमें क्रिस्पी बनानी है, इसलिए मैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। सारे चीज़ों को मिला के एक डो बना लेंगे। देखिए एक डो हमारा तैयार हो चुका है। अभी इसको हम कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और हम स्टफिंग तैयार करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रखा है, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल दूँगी। तेल को गर्म होने दीजिए। इसमें मैं यहाँ पे मैं 2 बड़ा प्याज काट के लिया है, इसको डाल दूँगी। इस तरीके से हम पकाएंगे, ऐसे ही गैस को फूल रखेंगे। प्याज थोड़ा फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन चला जाए, तभी इसमें हम डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैं 2 बड़े बड़े आलू लिया है, उसको मैंने ऐसे क्यूब में ऐसे रफली चॉप कर लिया है, उसको डाल देंगे। आप लोग आलू को ऐसे बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, सारे चीज़ों को एक साथ मैश करके भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी स्वाद और भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसी के साथ आलू को चॉप कर लेती हूँ। टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल दूँगी। इसमें डालूँगी मैं चिली फ्लेक्स, इसको भी मिला लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे इसके साथ। इसको भी मिला लेंगे। मैं जो जो चीज़ डाल रही हूँ इसके, आप लोग इसको ऐसे आलू को बिना फ्राई करके ये सारी चीज़ें इसके साथ मैश करके भी बनाते तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहे तो आप लोग थोड़ा प्याज को ऐसे फ्राई कर लेना, करने के बाद सारी चीज़ ऐसे ही मैश करके भी बना सकते हैं। कुछ चटपटा बनाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसको मिला देंगे। ये आटा काफ़ी देर रेस्ट कर चुका था, अभी मैं इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकाल लिया है। अभी इसको मैं रोटी के जैसे गोल गोल बेल दूंगी। मैंने बेल लिया है, ऐसे करके मैं सारे पेड़े में से ऐसे रोटी बना लूंगी। गैस पे मैंने एक तवा रखा है, तवा गर्म हो चुका है, मैं इसमें एक रोटी रख दी है। इसको हमें हल्का सेक लेना है। इसको अपोजिट साइड में भी पलट देंगे। ऐसे ही इसको उतार लेंगे और दूसरा हम लोग सेक लेंगे। देखिए दूसरा भी मैं सेकने के लिए रख दिया है। गैस को हमको थोड़ा हाई करके इसको सेकना है, नहीं तो ये ऊपर से थोड़ा कड़क हो जाएगा, तो फोल्ड करते वक्त ये फट जाएगा, इसलिए गैस को थोड़ा हाई करके इसको हमें सेक लेना है। इसको यहाँ पे मैं ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है। देखिए पहले मैं एक रोटी ले लिया है, इसमें पहले पूरे रोटी में ये टोमेटो सॉस है, इसको लगा लेंगे। उसके बाद मैं हाथ यूज करके कर रही हूँ स्टफिंग को। इसमें अभी जो चीज़ को ग्रेट करके रखी थी वो डाल दूंगी। आप लोगों को जितना चीज़ पसंद हो उतना आप लोग भर दीजिए।
इसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस डाल देंगे। अभी रोटी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैंने एक पैन रखा है, पैन में मैंने थोड़ा सा तेल ले दिया है, तेल गर्म हो चुका है। अभी इस टैकोस को मैं इसमें डाल दूंगी, गैस को बिल्कुल धीमी कर दूंगी। एक साइड से गोल्डन हो चुका है। अभी हम लोग बाकी जो है उनको भी मैं पलट दूंगी। हमें पूरा क्रिस्पी बनाना है इसको, हम गैस को पूरा स्लो करके इसको ऐसे ही क्रिस्पी बनाते जाएंगे। ये तैयार हो चुका है, हम इसको उतार लेंगे।